एकता कपूर टेली प्रोडक्शन मेरी आशिकी तुमसे ही इज मूविंग ऑन एन इंटरेस्टिंग प्लॉट टू कॉन रणवीर आका आरवी चिराग सेंड्स अ गर्ल विद अ प्रोजेक्ट टू आरवी सो दैट आरवी अग्रीज टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट एंड अल्टीमेटली फॉल्स प्रे टू चिराग्स प्लान बट आरवी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ चिराग्स डर्टी प्लान एंड डेलिबरेटली गिव्स नॉट टू द प्रोजेक्ट दैट इज ब्रॉट टू हिम बाय दैट गर्ल Watch Shakti Arora, who plays Ranveer aka RV in the show, talk about it and the upcoming twists in the show. हाँ वो एक्चुअली पर्पसली करता है बिकॉज वो लड़की मुझे पता है इट्स बीन प्लांटेड बाय चिराग और वो कुछ प्रोजेक्ट डील लेकर आ रही है जहाँ पे वो मुझे मतलब कॉन करने की कोशिश कर रही है. बेसिकली सारा प्लान चिराग का है जहाँ पे वो प्लान करता है कि वो मुझे मतलब मेरे पैसे उड़ा लेगा या फिर यू नो चुरा लेगा मुझसे पैसे ना उल्लू बना के. तो और उसी के लिए उसी वजह से ये लड़की भी यहाँ पर आई है और शी ट्राइज टू गिव मी अ प्रोजेक्ट और बताती बड़े बड़े ख्वाब दिखाती कि ये प्रोजेक्ट से इतना होगा ये होगा फलान टिमकान होगा लेकिन अल्टीमेटली मैं मतलब उसकी पोल खोल देता हूँ और बता देता हूँ कि आप कितने पानी में हैं और आपका प्रोजेक्ट कितना घटिया है. सो शी बिकम्स रियली सैड अबाउट इट एंड देन फाइनली आई टेल हर दैट कि फिर भी मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दूंगा तुम्हारी खूबसूरती की वजह से और सबको बाहर जाके बता दो. तो इसके वजह से ईशानी को और गुस्सा आएगा और वो पप्पी देखेगी तो उसका और दिमाग खराब हुआ कि मतलब ये किस तरीके का लड़का है मतलब इतना ज़्यादा गिर चुका है ये कभी नहीं सुधरेगा. मतलब मुझे तो लगता था कि पहले से सनी लियोनी की फिल्म में देखता था अभी तो ये रियल लाइफ में भी सारी चीज़ें करता है. सो बेसिकली उसको इरिटेट करने के लिए एंड द मकसद बिहाइंड दिस इज़ कि मुझे पता है कि मैं उसको जितना इरिटेट करूँगा जितना मैं उसके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करूँगा वो उतने टाइम तक इस कंपनी में रहेगी ये जानने के लिए कि मैं उसको और उसकी फैमिली के साथ और नुकसान ना करूँ. और अगर मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया या उसके मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया तो शी विल डायरेक्टली गो बिकॉज शी विल फील दैट आई एम स्टार्टेड लविंग हर अगेन. Basically, Ranveer is doing it to keep Ishani in his company. Moreover, he wants to take revenge from Chirag and his family and Ishani's pa, who insulted his family when Ranveer was a servant in the Parekh family.